हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रांसपोज फंक्शन को हम थ्री डिफरेंट वेज में किस तरह कर सकते हैं। सो व्हाट इज ट्रांसपोज? ट्रांसपोज का मतलब होता है डेटा को ट्रांसपोज करना, यानी कि वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल। अब जैसे इस टेबल में जो मेरा डेटा है ये वर्टिकल टेबल है, यहाँ पर जो डेटा है जो कॉलम यानी कि स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, ये कॉलम में चल रहा है। अगर मुझे इसे रोटेट करना है, घुमाना, अगर मुझे इसे रोटेट करना है यानी कि ट्रांसपोज करना है, तो उसके लिए हम जो पहली ऑप्शंस है टेबल को आप कॉपी कर दें। कॉपी करके जहां पर भी आपने डेटा को ट्रांसपोज करना है, स्विच करना है, आप अपना कर्सर वहां पर रखें और उसके बाद राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आएगी पेस्ट पैसल की, और पेस्ट पैसल में जाके आपने क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन यहाँ पर आपको देखेगी ट्रांसपोज, बस यहाँ पर आपने टिक करना है और ओके करना है और आपका जो डेटा है वो ट्रांसपोज हो चुका है, यानी कि जो कॉलम थे वो रो में कन्वर्ट हो चुके हैं। रो वाला डेटा आपका कॉलम में और कॉलम वाला डेटा आपका रो में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये तो हमारी पहली ऑप्शन थी। दूसरा, सेकेंड वे हमारे पास है कि हम फॉर्मूला लगा कर भी कर सकते हैं। तो फॉर्मूला के लिए हमें पहली उतनी जो स्पेस है टेबल की, यानी कि यहाँ पर हमें तीन रो को सिलेक्ट करना है। तीन रो हम सिलेक्ट कर चुके हैं। तीन रो हमने क्यों सिलेक्ट की है? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो डेटा है उसके तीन कॉलम है। तो जब हम सिलेक्शन करेंगे, तीन रो को हम सिलेक्ट करेंगे और जितने हमारे पास यहाँ पर यानी कि 11, एक स्टूडेंट आईडी और 10 स्टूडेंट है, यानी कि यहाँ पर जो स्टूडेंट आईडी और 10 स्टूडेंट है तो 11 हमारे पास रो हैं। तो 11 रोज यानी कि हमें 11 कॉलम लेने पड़ेंगे और जो कॉलम है तीन, तो तीन हमें यहाँ पर रोज लेनी है। तो उसके लिए यहाँ पर मैं थ्री रोज को सिलेक्ट कर रही हूँ और 11 मुझे यहाँ पर रो को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने कहीं पर क्लिक नहीं करना, सीधे आपने इज इक्वल टू लगा के ट्रांसपोज का फंक्शन टाइप करना है। ट्रांसपोज लिख के आपने ब्रैकेट स्टार्ट करना है और एरे, एरे यानी कि आपका डेटा, जो आपका डेटा है आप उसे सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आपने ब्रैकेट क्लोज करनी है और कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और एंटर का बटन आपने प्रेस करना है, साथ में तीनों बटन आपने इकट्ठे ही प्रेस करने, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर। तो अभी यहाँ पर जो आपका डेटा है स्टूडेंट आई डी, स्टूडेंट नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, यानी कि जो यहाँ पर कॉलम थे वो रो में कन्वर्ट हो चुके हैं। लास्ट थर्ड वे हमारे पास है कि हम यहाँ पर सेल का रेफरेंस दे दें। तो सेल यानी कि यहाँ पर क्या है, A1 और A1, B1 और C1, यानी कि जो हमारे कॉलम है इसे हमें क्या करना है, रो में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, मैं S लिख लूँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं, L, A, कुछ भी। मैं SA1 एंटर, SB1 एंटर, SC1। तो A1, B1 और C1 यानी कि मेरा जो कॉलम हेडिंग है A1, B1 और C1, बट इनके पहले मैंने यहाँ पर S लेटर ऐड कर दिया है। उसके बाद इसे सिलेक्ट करें और इसे ड्रैग कर दें, फिर आपको कंट्रोल H प्रेस करना है। कंट्रोल H प्रेस करने से आपका यहाँ पर फाइंड एंड रिप्लेस का बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपको फाइंड में S लिखना है और रिप्लेस में इज इक्वल टू का साइन लगाना है और इसे आप रिप्लेस ऑल कर दें, बस। और आपका जो डेटा है वो स्विच हो चुका है कॉलम टू रो और रो टू कॉलम में, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आई डी 101 102 और नाम ये आ गया और इनकी डेट ऑफ बर्थ आ गई। तो अभी तक आपने देखा कि हमने जो डेटा है ट्रांसपोज किए हैं थ्री डिफरेंट वेज में, बट इनमें जो हमने ट्रांसपोज किया है इनमें क्या डिफरेंस है ये भी अभी आपको मैं क्लियर कर देती हूँ। पहले इसमें हम थोड़ा बॉर्डर लगा देते हैं। इसमें मैं बॉर्डर ऐड कर रही हूँ टेबल में। नॉर्मली कॉपी करके पेस्ट पैसल में जाके ट्रांसपोज की ऑप्शन मैंने सेलेक्ट की थी। तो इसमें और बाकी में क्या डिफरेंस है? जो स्टूडेंट आईडी है, अगर मैं आईडी चेंज करती हूँ या मैं स्टूडेंट का नाम चेंज करती हूँ, जैसे यहाँ पर अमन है तो इसे हम अमनदीप मैं टाइप कर रही हूँ। एंटर करते ही आप यहाँ पर देखोगे कि इन जो नेक्स्ट हमने सेकेंड मैथड और थर्ड मैथड से जो टेबल हमने ट्रांसपोज किए हैं इसमें आपका डेटा इस टेबल के साथ ही चेंज हो रहा है। आप यहाँ पर इस टेबल में कोई भी चेंजेस करते हैं तो साथ के साथ यहाँ पर चेंजेस हो जाएंगे, बट जो आपने नॉर्मल कॉपी करके पेस्ट पैसल में जाके ट्रांसपोज किया है इसमें आपका डेटा सिर्फ वन टाइम ट्रांसपोज हो गया, बट इसमें चेंजेस नहीं होंगे। तो आप अपने नेट के अकॉर्डिंग जो भी आपको मेथड सही लगे आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है
तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच।